उसकी ओर उठने वाली उंगली को, उठने वाले हाथ को हम सब मिलकर या तो तोड़ दे, जरूरत पड़े तो उस हाथ को काट दे। लेकिन ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के बाहर कृष्ण का नाम है और पूरे हिंदुस्तान है, उत्तर भारत में राम को बहुत आदर्श माना जाता है। उनके सम्मान के खिलाफ जिस फिल्म में दृश्य दिखाया गया बात कही गई है, उस फिल्म का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। तीनों शख्स अलग अलग हैं, जुबान अलग हैं, बातें भी अलग हैं, लेकिन अगर तीनों का मर्म भापने की कोशिश की जाए तो वह एक ही नजर आ रहा है, जिसे जानकर और समझकर सिर्फ एक ही बात मुंह से निकलती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन दिनों हिंदुस्तान में इस तरह के मुद्दों की बाढ़ आई हुई है, जिनका असल मायनों में एक सुचारू व्यवस्था से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता। कभी अपने नेता के खिलाफ उंगली उठाने पर हाथ काटने की चेतावनी दी जाती है, तो कभी राम और कृष्ण का सियासी बंटवारा कर दिया जाता है, कहीं गोडसे का मंदिर बनाया जाता है, तो एकाएक पद्मावती को राष्ट्रमाता कहते हुए एक प्रदेश में उन पर बनी फिल्म पर बैन लगा दिया जाता है। कुल मिलाकर देश की व्यवस्था अलग अलग मुद्दों में कुछ इस कदर उलझ गई है, जहां से इसके निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस तरह के वो पहलू जिनकी मौजूदगी प्रभावित कर रही है देश के तंत्र को। मौजूदा वक्त में देश में सबसे अधिक घमासान भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पद्मावती को राजमाता कहते हुए प्रदेश में फिल्म को बैन किया। हिंदुत्व की लाइन को आगे बढ़ाते हुए दूसरे राज्यों में सीएम भी पद्मावती के खिलाफ। करणी सेना और बीजेपी नेता ने संजय लीला भंसाली का सिर काटने पर इनाम का ऐलान किया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद बोले, जो पीएम पर उंगली उठाएगा उसके हाथ काट देंगे। कृष्ण और राम को लेकर सपा के संरक्षण मुलायम सिंह की अजीबोगरीब टिप्पणी। गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ भी कहा जाए, कैसे भी देखा जाए, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान अभी कुछ उन स्थितियों से जूझ रहा है, जिसने जरूरी मसलों से सारे देश का ध्यान भटका दिया है और धर्म सियासत के साथ इतिहास की खिचड़ी देश में उथल पुथल मचाती नजर आ रही है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। समझ नहीं आता कि इस वक्त को क्या हो रहा है। देश में कहीं सिर्फ एक फिल्म समाज और सियासी टकराव का केंद्र बन जाती है, तो कहीं महात्मा गांधी के हत्यारे को कुछ लोग आराध्य बना देते हैं, कहीं कोई राजनेता उंगली उठाने पर उसे हाथ सहित काट देने की चेतावनी देता है, तो कोई राम और कृष्ण के बीच में ही फर्क बताता है। जाने यह कौन सी स्थिति है जब हमारे सामने हर कोई एक नए रूप में सामने आ रहा है, जिसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही करार तो नहीं दिया जा सकता। आखिर क्यों बन रही है देश में यह स्थिति और कौन है इसका जिम्मेदार, इन्हीं सवालों को तलाशेंगे हम अपने विशेष सियासी मकड़ जाल में। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़े अहम बिंदुओं पर। देश को किस तरह प्रभावित कर रहा है धर्म सियासत और इतिहास का कॉकटेल? क्या इसके कारण मचे उथल पुथल से प्रभावित हो रहे हैं जरूरी मुद्दे? देश के सामने आ रहे इस तरह के हालात के पीछे जिम्मेदार कौन? इस हालात से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? क्या ये बवंडर गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर खड़ा किया गया है? सवाल बहुत रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि देश के जो असली मुद्दे हैं वो इनमें कहीं बहुत पिछड़ गए हैं। ये उसी तरह से हैं जो ऐसा आम आदमी पिछड़ जाता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वैसे ही मुद्दे भी ये बहुत आगे आगे चलते हैं और ज़रूरी मुद्दे पिछड़ते रहते हैं।
इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, प्रोफेसर एसएन चौधरी, दिनेश निगम त्यागी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही यश यादव समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, आखिर क्या हो रहा है पूरे देश में? हर तरफ विरोध विरोध विरोध, और इतना विरोधाभास, ये क्या है क्या? और भाषा का तो संयम ही नहीं रहा। कोई किसी का हाथ काट लेने की बात करता है, कोई किसी के नाक काटने पर इनाम देने की बात करता है, कोई गर्दन काट लाने वाले को उससे बड़ा इनाम देने की बात करता है। ये हो क्या रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूरत से ज़्यादा लोगों को मिली है इस देश में। विचारों के कहीं भी किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण कर दीजिए, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और हम उस देश में बैठे हैं जहां लोगों ने लोगों को जिंदा जला दिया, लोगों की फांसी की सजा को भी अदालतों ने आजीवन कारावास में बदल दिया। ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं दिखती, कानून का भय नहीं है, डंडे का राज नहीं है, जिसके मन में जो आया वो चल दिया। कोई इतिहास को तोड़ दे, कोई देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दे, कोई हमारे देश की सेनाओं पर टिप्पणी कर दे, कोई देश में रहने वाले लोगों पर टिप्पणी कर दे, कहीं कुछ कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। मुझे लगता है इसके बारे में सबको विचार करना चाहिए कि आखिर देश में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। ये कोई संवैधानिक परंपराओं से चल करके सब नहीं हो रहा है। विचारों की अभिव्यक्ति एक सीमा में तो ठीक होती है, लेकिन अगर सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ऐसा लोग कर रहे हैं तो इसके पीछे कौन लोग हैं, इन सब बातों को भी हम सब लोगों को मिलकर के देखना चाहिए। इसको राजनीति के चश्मे से हमको नहीं देखना चाहिए। राजनीति के चश्मे से अगर हम देखेंगे तो देश में अराजकता का माहौल और बढ़ेगा, और हमारे आपसी सौहार्द को भी कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर ले जा करके लोग खड़ा करेंगे। पहले हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति, हम बात करते हैं तो हिंदुत्व हमारा धर्म का एजेंडा नहीं है, ये हमारे वोट का राजनीति का एजेंडा है। तो आज बहुत सी परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं रिजवान भाई, जिनके बारे में अगर चर्चा करें तो जो लोग हमारा कल तक विरोध करते थे आज वही सब लिए घूम रहे हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँगा। नहीं, आपका एक प्रदेश अध्यक्ष हाथ काट लेने की बात करता है, एक नेता आपका गर्दन काट लाने की बात करता है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, देश की अगुवाई आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं यार आप हमारे ही नेताओं के बारे में या हमारे नेताओं ने जो बात कही उसको क्यों, बाकी लोगों की भी बातें करिए ना। किसकी करनी चाहिए बताएं? करिए, आप सबकी करिए, ओवैसी साहब की करिए, ओवैसी साहब के भाई की कहिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने माननीय मोदी जी को लेकर के, माननीय योगी जी को लेकर के कहा है उसकी बात आप करिए। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की धरती में रहने के बाद, भारत माता की गोद में रहने के बाद भगवान राम के अस्तित्व को इनकार कर दिया, इन लोगों की बात करिए, सब पर चर्चा करिए, हम बिल्कुल करेंगे। हमारे नेताओं ने अगर कहीं कोई गलत बात कही रिजवान भाई, मैं आपके स्टूडियो में पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उसको हम स्वीकार करने में एक सेकंड का वक्त नहीं लेंगे, लेकिन बाकी नेताओं पर भी आरोप तय होना चाहिए। हाथ काटने की बात किसी नेता ने की? मैंने कहा तो लोग तो गर्दन काटने की बात कर रहे हैं साहब, आप तो हाथ तक ही पहुंच रहे हो। पूछ रहा हूं मैं, गर्दन काटने की बात आप ही के दौर में तो हो रही था? नहीं, हमारे दौर में नहीं हुई, लोकसभा चुनाव के दौर में हुई है, विधानसभा चुनाव के दौर में हुई है। दौर किसी का भी हो, कानून का तो एक ही दौर होता है साहब, संविधान सबके लिए है। सरकारों के रहते हुए भाजपा के समय में बदल गया या कांग्रेस के समय में कुछ और हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए संविधान का पालन हम सबको करना है, संवैधानिक मर्यादाओं में हम सबको रहना है, लेकिन यही है कि जब मर्यादाएं टूटती हैं तो बहुत कुछ होता है। जहां तक हमारी बात है, निश्चित रूप से गोडसे जी को लेकर के अभी लोगों ने हमसे प्रश्न किया था, हमने यही कहा था कानून अपना काम करेगा, आज ग्वालियर में कानून ने अपना काम कर दिया। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि हर बात में अगर आप कहोगे नहीं इस पे पार्टी का स्टैंड क्या, इस पे प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड है, हर बात का जवाब देना कोई जरूरी है क्या? लोकतंत्र में कई बातों का जवाब, महात्मा गांधी से जुड़े वाले मुद्दे पर भी आप जवाब नहीं देंगे? नहीं नहीं, महात्मा गांधी जी के जो मुद्दे जुड़े हैं उसका भाजपा से क्या लेना देना, हिंदू महासभा का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? सरकार में है, सरकार ने वो काम किया, आपकी है, बनने क्यों दिया? अरे भैया, आप हमसे कह रहे हैं वर्षों से वहां पर जब लोग सालाना जलसा मनाते थे तब वहां की पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं रोका, क्यों इस तरह के काम होने दिए? अगर आपको लगता है 14 साल तो आपको हो गए साहब। अरे सर, हमारे को अब तो आप बरसों की बात करेंगे, बरसों तो हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं बहुत ज्यादा इसको, नहीं नहीं, लेकिन 14 साल से तो आपकी सरकार है, और यही 3-4 सालों में बहुत अधिक हो गया ये बात। ऐसा करिए रिजवान भाई जी,
आप पर अभी समय है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप ग्वालियर के जिला प्रशासन से रिपोर्ट ले लीजिए कि कितने सालों से इस प्रकार का काम वहां पर जारी था, फिर उसके बाद में आप हमसे पूछ लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जहां तक मेरी जवाबदारी है, हम महात्मा गांधी जी के इस तरह के किसी भी बात का विरोध करते हैं जहां महात्मा गांधी का लोग अपमान करते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे लिए, इस देश के लिए राष्ट्रपिता थे, हैं और रहेंगे। आपको लगता नहीं चेतन जी कि आपकी सारे खुफिया तंत्र, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीज़ों के होते हुए, वहां एक मंदिर बना लेते हैं लोग, मूर्ति स्थापित कर देते हैं, मूर्ति बनवा लाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आपको लगता नहीं ये चूक हो गई कहीं? खुफिया तंत्र को कितनी जानकारी थी कितनी नहीं, ये तो अगर आप सरकार से पूछेंगे तो ज्यादा उचित होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी को भी तभी जानकारी मिली जब आप लोगों को मिली, उसके बाद हमारे तक आई। नहीं, आपको लगता है कि ये जो भी सिस्टम रहा हो, जिसकी भी जवाबदारी थी, निश्चित रूप से जो जिनको जो वर्क है वो वर्क पूरी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ करना चाहिए। अगर कहीं खुफिया तंत्र फैले तो उसको अपने कामों की समीक्षा करना चाहिए, अपने तंत्र को और मजबूत करना चाहिए। इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से अल्टीमेटली फेस तो भारतीय जनता पार्टी को ही करना पड़ता है। चलिए, यश यादव, क्या है ये राम और कृष्ण, ये क्या कि ये उत्तर भारत में इनका बहुत बहुत मान्यता है, उनकी पूरे देश में है, दक्षिण भारत में भी है, इस तरह की बातों की आखिर ये चुनाव के मौसम में ज़रूरत क्या आनी पड़ी? देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बात हुई है, गाजियाबाद में एक यादव समाज का प्रोग्राम था जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम था। वैवाहिक कार्यक्रम में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने ये बात कही है। जब समाज का कार्यक्रम है, यादव समाज श्री कृष्ण जी को ही अपना वंशज मानता है, तो बात तो चलेगी। जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं अगर उसमें बात नहीं रखेंगे तो कहाँ बात रखेंगे? या तो ये होता कि कोई राजनीतिक मंच था और उन्होंने ज़बरदस्ती उस बात को रखा होता तो हम इस बात को मान सकते थे कि चुनावी राजनीति सियासत की जा रही है। जब मंच ही उस चीज़ का है, समाज का कार्यक्रम है, समाज में समाज की बातें हो रही। लेकिन एक एक राजनेता जो कई बार मुख्यमंत्री रहा हो, देश का रक्षा मंत्री रहा हो, आपको लगता नहीं है कि वो समाज का नहीं पूरे देश का होता है? नहीं, बिल्कुल देश के ही होते हैं, देश के ही नेता हैं वो, और जिम्मेदार नेता हैं वो। उन्होंने वही वक्तव्य दिया जो सच है, अगर उसमें कुछ गलत बात हो तो बात बताइए। उन्होंने कोई वर्गीकरण नहीं किया, जो हम बात कर रहे हैं कि भगवान को बांट दिया, उन्होंने बांटने वाली बात नहीं की, वास्तविकता पर एक बात कही कि ताकि जो यादव लोग वहां बैठे हुए हैं, जो बिरादरी के लोग बैठे हैं, जो वैवाहिक कार्य, उनमें एक ऊर्जा आए कि हम जिनके आराध्य हैं, जिन जो हमारे आराध्य हैं, जिनके हम वंशज हैं, उनमें एक ऊर्जा आए, उनमें एक भावना जागे कि हमारे भगवान को इतने लोग मानते हैं, हम उनकी गीता पे, उनके संदेशों का अनुसरण करें, उनकी बातों पे चलें, इसीलिए उस बात को उन्होंने कहा। लेकिन क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इतना तेजी से चल रहा है कि खबर पूरी ना दिखाते हुए पहले ही आ जाती है। जैसे पूर्व में भी इल्जाम मीडिया पर ही है। नहीं, नेता चूकते हैं, इल्जाम जाते हैं, कोई हाथ काटने को कहता है, कोई आराध्यों में अंतर बताने लगता है, इल्जाम मीडिया पे नहीं है, बात अधूरी आएगी तो वो अधूरी ही रहेगी। अरे आप बात ही ऐसी क्यों कीजिए जो अधूरी होने पर अनर्थ हो जाए, अर्थ का अनर्थ। देखिए, मैंने बताया ना, सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें समाज की बात करी। चलिए, और देश के बहुत ढेर मुद्दे हैं, अनेक मुद्दे हैं आजकल बड़ा। अब देखिए, मैं अगर बात करूं, आदरणीय चेतन जी अभी जो भाजपा की तरफ से पक्ष रख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी है और उसने जो करना था सत्ता में, तो सत्ता में उन्होंने गोडसे जी की मूर्ति हटाने का काम किया। जैसा आपने उनसे सवाल किया कि आपकी इंटेलिजेंस थी, तो इंटेलिजेंस वाली बात पे उन्होंने कोई जवाब नहीं तो बता दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कहीं चूक हुई है तो वो स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। अब आप किसी की गर्दन काट के लाओ, किसी की नाक काट लो, क्या इस तरह से हम नहीं लग रहा कि हम अभिव्यक्ति के नाम पर अपने संविधान, देश और सारी तरह की चीजों पर हम प्रश्न लगा रहे हैं? ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। आज चाहे सोशल मीडिया देख लें, चाहे कोई और चीज देख लें, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कोई चीज बोलते हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोलते हैं, नित्यानंद जी जो जिम्मेदार पद पे हैं, इनके जितने भी नेता हैं सब इसी तरीके की बातें करते हैं, इनके जितने कार्यकर्ता हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का समर्थन कीजिए तो आपको पाकिस्तान भेजने की बातें होती हैं, अगर आप इनके किसी नीति का विरोध कीजिए तो उस बात से ये बात ना करते हो नई बातें करने लगते हैं, ताजमहल की बातें करने लगते हैं, जहां इनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए वहां ये मिसगाइड करने वाली बातें करते हैं और कुछ नहीं, जनता को भ्रमित करते हैं। मूल जो जनता की जरूरतें हैं, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक पिक्चर पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं तो प्रतिबंध के लिए पहले उस पिक्चर को देख तो लेते, सारे तंत्र उनके पास हैं। HRD मिनिस्ट्री आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, सरकार जो पूरी है भारतीय जनता पार्टी, पिक्चर बन जाती है पूरी इनके कार्यकाल में, इनको पता नहीं चलता उसके अंदर क्या हो रहा है, और पहले पिक्चर बनने दी, पकने दिया पूरा, अब उसको खाने की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि 20% जो राजपूत समाज है वो इनको गुजरात में दिख रहा है। पूरी तरीके से राजनीति तो ये करते हैं और आरोप लगाते हैं दूसरे लोगों पर,
तो इनको ये सारी चीजें देखनी, जब खाना पक रहा था, जब ये पिक्चर बन रही थी, तब ये कहाँ सो रहे थे, तब ये कहाँ सारी चीजें देख रहे थे। काम तो एचआरडी मिनिस्ट्री का ही है ना, और दूसरी सॉरी एचआरडी मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, सूचना प्रसारण मंत्री का है, क्योंकि पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, इसलिए मेरे मुंह से एचआरडी मिनिस्ट्री निकल गया जी। अभी भी आप उनको शिक्षा मंत्री ही मान रहे हैं? नहीं, आप उम्मीद करते हैं अभी भी वो बेहतर शिक्षा दें? उनका कार्यकाल, अरे वो तो कल एक बड़ी कलाकार भी है, उनका कार्यकाल इतना बुरा रहा है कि मैं उसको याद भी नहीं करना चाहता, इसीलिए उनको हटा दिया। मोदी जी को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने वरना हटा दिया, लेकिन अब जिस विभाग में भेजा है, कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो वो ठीक से करें जी। जो आज की डेट में विवाद हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि जो लगातार प्रचार हो रहा है पद्मावती पिक्चर का टेलीविजन पे, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत वो मंत्री हैं, और ये सारे चैनल्स जितने टीवी चैनल्स में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ये सूचना प्रसारण के माध्यम से आता है, क्यों नहीं रोक लगा देते अगर आपको आपत्ति है तो? आपने पूरी पिक्चर पे रोक लगाने वाली बात कर दी, उस चीज पे जिस पे आपको आपत्ति है, सेंसर बोर्ड आपके हाथ में, आप उन शॉर्ट्स पे कट लगवाइए जो सेंसर बोर्ड का काम है, वो ना करते हुए आप एक बहुत व्यवस्थित तौर पे खाना पका रहे हैं, विवाद को इतना पका रहे हैं और फिर उसको खाने की तैयारी कर रहे हैं गुजरात के चुनाव में, ताकि कोई आपसे जो आप गुजरात मॉडल की बातें करते थे वही कोई ना पूछे कि आपने क्या किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई ये ना पूछे कितने किसान मर गए, क्या आपने शिक्षा विभाग को दिया। बिल्कुल चेतन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कह लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन इसी जो इन्होंने कहा उसी पर कहिए। बिल्कुल, देखिए मेरे मित्र जो कह रहे हैं कि अभी फिल्म हमने देखी नहीं है जी, अभी आपने कहा ना कि मीडिया हमसे बहुत आगे है, निश्चित रूप से आज के जमाने में फिल्म का प्रमोशन अभी नहीं हुआ है, सेंसर बोर्ड ने भी पास नहीं किया, लेकिन उसके सारे विजुअल आज हर व्हाट्सएप पे लोगों के मोबाइल में वीडियो क्लिप में आ गए हैं। क्या देश और देश के जागरूक नागरिक होने के नाते क्या देश की जनता का इतना भी फर्ज नहीं है कि इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का कृत्य किया जाए, क्या इतिहास तोड़ मुड़ कर दिखाने वाले लोगों की गर्दन मीडिया की बात कर रहे हैं? आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों ने संपादकों ने उसको देखा और एक ने भी नहीं कहा कि उसमें ऐसी। देखिए रिजवान भाई जी, जिन लोगों ने देखा है जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने परिवार के लोगों पर ही ऐसी फिल्म बनवा लें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, आपका निवेदन एक अलग विषय है, लेकिन वो कह रहे हैं फिल्म में कोई आपत्ति। मैं कह तो रहा हूँ, दृष्टि का फेरे में क्या कर सकता हूं? दूसरा क्या दूसरा, कर सकता हूं? दूसरा जो लोग नहीं, ये वही लोग हैं बात कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए रिजवान भाई, इस हिंदुस्तान मीडिया की बात की, इसलिए मैं मीडिया पे नहीं जा रहा इस हिंदुस्तान में इस चाल चरित्र चेहरे के भी लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एफिडेविट देते हैं कि सेतु समुद्रम नाम की कोई चिड़िया नहीं, राम भगवान इस धरती पे हुए नहीं, ऐसा कोई तथ्य नहीं। आपको लग नहीं रहा कि आप विषय से बाहर निकल रहे हैं? मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूँ लोगों की भावनाओं का, लोगों की जानकारी का, जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न उठाए आज वो कहाँ है ये भी देख लीजिए। एक बात और कही है यश ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय आपका है, तो उसका ट्रेलर क्यों सब जगह दिखाया जा रहा है, क्यों जारी होने, जिस घूमर नृत्य पर बहुत विवाद है। ये तो सर सारे मीडिया सारे चैनल पर आ रहा है, उनसे कहिए ना, रोकिए ना सूचना प्रसारण मंत्रालय है आपके पास। अरे सर जी, किस किस को रोकेंगे? आप सबको रोक सकते हैं, हर हाथ में है, सब हर हाथ में है। अरे हाथों को छोड़िए, कम से कम प्रसारण तो कह रहा हूँ। ऑथेंटिक रूप से सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को पास नहीं किया है, ये बात सच है, ये देश भी जानता है, ये देश की सच्चाई भी है। लेकिन मेरा ऐसा फिर से आपसे भी निवेदन है कि जब इस तरह की बातें अगर सेंसर बोर्ड से पास होकर के नहीं आई तो लोगों के पास कैसे जा रही है, कहाँ से आई है, क्या सपने में आई है? ये जिन लोगों ने, जिन फिल्मकारों ने, इस पर कार्रवाई कौन करेगा? अगर आपको लगता है ये आपत्तिजनक है, गलत है, कानूनी है, तो कार्रवाई कौन करेगा? मध्य प्रदेश की धरती पर कौन करेगा कार्रवाई? मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई तो छोड़िए जी, शुरू में ही अल्टीमेट दे दिया है जी कि राष्ट्रमाता पद्मावती के चाल चरित्र चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के इतिहास के तथ्यों के खिलाफ अगर राष्ट्रमाता की गई, आपने राष्ट्रमाता जी, बिल्कुल राष्ट्रमाता जी, अगर राष्ट्रमाता के चाल चरित्र चेहरे पर अगर इतिहास के खिलाफ जाकर के किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने की कोशिश की जाएगी तो इस मध्य प्रदेश की धरती पर उस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होगा। ये सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्जन है, और कल समाज के जो लोग वहां पे हजारों लोग जुटे थे उनका वर्जन जो है वो आप उनसे लीजिए। यही तो कह रहे हैं यश, यही कह रहे हैं। राजमाता कौन से इतिहास? एक मिनट यश, यश लौटूंगा, आपको मौका फिर दूंगा। वो राजमाता तो मेरे भी नहीं समझ में आता, वो फिर समझेंगे, बाकी मेहमानों से भी समझेंगे, प्रोफेसर एस एन चौधरी साहब से भी समझेंगे, लेकिन अब ये तो नेता हैं, अब इनकी अपनी इच्छा है, किसी को भी उपाधि दे सकते हैं और सरकारों का काम है उपाधि देना। अशोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, आपने सुना, आप क्या कहेंगे? कई मुद्दे हैं, कोई कह रहा है हाथ काट लो, प्रधानमंत्री की तरफ कोई उंगली दिखाए हाथ काट लो, कोई कहता है इस कलाकार की नाक काट लो,
कोई कहता है इसकी गर्दन काट लाओ, इतने करोड़ ले जाओ, और ये किस तरफ हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। फिर मैंने मांगा कि साहब मुझे ये दे दो, आपने कहा ये दोनों ले लो। ये जो अंदाज है, ये जो जिस तरह से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से, और हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं समय पर, चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाती हैं, इस हद तक चीज़ें होती हैं, कटुता बढ़ जाती है समाज में, और उसके बाद फिर हम चेतते हैं, तो आपको क्या लगता है ये भी सब सुनियोजित है? देखिए, इसमें दोनों पक्ष हैं। ये तो तय है कि देश की गौरवशाली परंपराएं हों, राष्ट्र नायक हों, वीरांगनाएं हों, उनकी गौरव और गरिमा से छेड़छाड़ तो नहीं होना चाहिए। ये हर राष्ट्रभक्त नागरिक का इसमें कर्तव्य है, उसको दलीय राजनीति, दलीय प्रतिबद्धताओं से दूर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ों को बढ़ाया ही जाता है, वो बढ़ाई हुई जाती दिखती हैं। और दूसरा, जब उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, तो मुझे इसमें ये भी लगता है कि देश की गौरवशाली परंपराओं के प्रति, देश के मूल्यों के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह राजनीतिक दृष्टि भी कुछ ना कुछ इसमें नज़र तो आती है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि या लाभ के कारण हम ये सोचें कि इसका विरोध करना ठीक नहीं है, तो यह भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर विषय यह है कि उसके पूरे विश्लेषण पर जाना चाहिए। कभी कभी ये लगता है कि हम बहुत छोटे से उसको लेकर बहुत ज़्यादा उसको तूल उतना दे देते हैं, और वो एक राजनीतिक रंग ले लेता है, और जब राजनीतिक रंग ले लेता है तो ऐसे हमारे राष्ट्रनायक और वीरांगनाएं भी दलीय राजनीति का शिकार होकर रह जाती हैं। प्रश्न यह है कि यह मुद्दा और यह विषय क्या केवल राजपूत समाज का है, क्या केवल भारतीय जनता पार्टी का है? यह मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, और इसको इस पर, लेकिन इसमें किसने कहा कि ये राजपूत समाज का है, किसने कहा यह भारतीय जनता पार्टी का है? जहाँ जहाँ सरकारें हैं, अलग अलग सरकारें, मध्य प्रदेश वाला प्रतिबंध लगा रहा है, पंजाब वाला, कांग्रेस वाला भी लगा रहा है, और अकेले सिर्फ राजपूत समाज विरोध कर रहा है, ये भी नहीं है। सवाल मेरा ये है कि समस्याओं को इस हद तक बढ़ जाने देने के बाद आप मूर्ति लग जाने देते हैं, फिर उसके बाद आप हटाते हैं, आप इस तरह के विवादों को इस सीमा तक बढ़ जाने देते हैं, और भाषा की कोई मर्यादा नहीं है, धमकी देने का कोई स्तर नहीं है, किसी महिला के बारे में कहते हैं कि उसकी नाक काट लाओ, ये दे देंगे, किसी को कहते हैं गर्दन काट लो, ये कर देंगे। इस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रतिक्रिया मेरी इस पर। हाँ, यह हम कहीं ना कहीं इन मुद्दों के माध्यम से जी उस कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं, वह कट्टरवाद जो कहीं ना कहीं, इसको यदि कहा भी जाए तो, डेमोक्रेसी की जो डिफेक्टिव होता सिस्टम है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। अब जाति, समाज, वर्ग में सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करना और उसके कारण वोटों का विभाजन करना, यह राजनीति की जो दिशा और दशा है, यह देश को सही दिशा में नहीं ले जा रही है। और ऐसी चीज़ों को, जो भी कट्टरवाद को बढ़ावा दे, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय हो, उसका समाज में सामूहिक और समग्र आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि कट्टरवाद कभी भी किसी भी देश की सुख, शांति और समृद्धि में सबसे बड़ा बाधक है। तो जिस कट्टरवाद से हम पूरा विश्व पीड़ित है, उस कट्टरवाद की ओर इन घटनाओं के माध्यम से हम बढ़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसी विषय में मेरा दूसरा ये कहना है कि अभी सेंसर बोर्ड का जब सर्टिफिकेशन भी उसका प्रॉपर नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने राजनीतिक रंग और दृश्य देने की आवश्यकता है। यह तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम हमारे राष्ट्रनायक और राष्ट्र चरित्रों को राजनीतिक उठापटक और घेराबंदी में क्यों घेर रहे हैं। यह अलग, यह मान लिया कि ये विषय कोई भाजपा का और अकेले राजपूत समाज का नहीं है, एक समग्र रूप से उठा है, लेकिन इन विषयों में जो भी कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी गहराई तक जानना चाहिए, उनके उद्देश्यों को समझना चाहिए, उनको बहिष्कृत करना चाहिए। बाकी राष्ट्रनायकों के चरित्रों से कोई राजनीतिक लाभ लेने का विचार किसी भी दल को कभी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। प्रोफेसर एस एन चौधरी साहब, समाज में ये क्या आखिर हो क्या रहा है, ये क्या है, ये कौन सी स्थिति है, कौन सी अवस्था है, या ये पहली बार हो रहा है, या इससे पहले भी होता रहा है इस तरह की कुछ चीज़ें, ये हो क्या रहा आखिर? जिसको देखो उसकी अपनी ढपली, अपना राग, अपने अंदाज में, और ख़ास तौर से दूसरों को एक दबाव बना लेने की कोशिश, या फिर दूसरे को बहुत खुश कर देने की ये कोशिशें हैं, ये क्या है, क्या नहीं, समझ हो क्या? मेरी नज़र में यह तो होना ही था जी, और यह होना था, खास करके आप लॉर्ड मैकाले आया था यहाँ पर जी, और यहाँ से गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने एक लेक्चर भी दिया था जी, और उसने कहा कि भारत की संस्कृति परंपरा
इतनी ऊंची और इतनी अच्छी है कि उसमें सेंध लगाना मुश्किल है। उसने यह भी कहा था कि देश में भ्रमण के दौरान, इस समाज में भ्रमण के दौरान उसने कहीं पर भी भीख मांगने वाले भिखारी को भी नहीं देखा। तो इसलिए निष्कर्ष वहां पर निकाला गया कि इनकी शिक्षा को तहस नहस करो और अपनी शिक्षा लाओ, और इनके पास जो भी है सभ्यता संस्कृति इनकी नजर में उसको गिराओ, उनको ये बता दो कि तुम्हारे पास जो है वो सब खराब है और हम जो दे रहे हैं, हम जो परोस रहे हैं वो सबसे अच्छा है। तो एक्चुअली में इसका बीज उसी समय बोया गया है, और पिछले 70 साल का समाज और राजनीति, ये दोनों का इतिहास और अंतर संबंध आप देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि ठीक है थ्योरेटिकली डेमोक्रेसी का इतिहास बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन समाज में और डेमोक्रेसी में स्टेट और समाज दोनों के बीच में खाई लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और स्टेट जब मैं कहता हूं तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों उसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। तो समाज का जो संविधान के अंतर्गत जो प्रॉमिसेज किए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, आप इस दृष्टि से देख लीजिए तो लगातार तो होना ही होना था। और खास करके आप देखिए नेहरू और गांधी जी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर को प्रमोट किए थे, परंतु पंडित नेहरू प्रभावित हो गए विश्वेश्वरैया से। विश्वेश्वरैया की 1940 में किताब आई थी जिसमें उसने कहा था कि अगर इस देश को ऊपर उठना है और गुलामी से बचना है तो इसको औद्योगिकृत ही समाज हमको बनाना पड़ेगा। तो पंडित नेहरू के नेतृत्व में सेकेंड 5-ईयर प्लान से औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया, और औद्योगिकरण विश्व में कहीं पर भी हुए हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड के अंतर्गत देखिए कि वहां पर इसने क्या किस किस प्रकार की त्रासदी और तबाही मतलब वहां पर मचाई थी। तो ये चीजें तो इस देश के अंतर्गत होना ही होना था, लेकिन इसके बीच में जो अन्य संस्थाएं हैं जैसे मीडिया भी आज इम्पोर्टेंट हो गया है, शिक्षा इम्पोर्टेंट हो गया है, ये इन सारे चीजों से जिम्मेदारी थी इनके पास, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे बिहेवियर को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे क्रियाकलाप को प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में प्रेरित करते। लेकिन जो कोर्स कंटेंट हमने पढ़ाया है और जो हमने परोस रहे हैं मीडिया के माध्यम से, ये सारी चीजें ठीक इसके विपरीत चल रही है। इसलिए यहां पर देखेंगे कि जातिवाद भी चल रहा है, और मैं केरल का उदाहरण देना चाहूंगा कि केरल में 50% से अधिक साक्षरता की दर है, और केरल के अंतर्गत 50% अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण सबसे ज्यादा मतलब देश के अंतर्गत केरल के अंतर्गत है, 100% जो है लिटरेसी रेट है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरल के अंतर्गत इंडिया का सबसे ज्यादा सुसाइड होता है, और केरल के अंतर्गत जब शादी विवाह होते हैं तो किलो के हिसाब से दहेज का मतलब लेन देन किया जाता है। मैं अभी केरल होकर के आ रहा हूं। तो इसलिए जिस प्रकार की शिक्षा जो होना चाहिए था, जो व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता, जो अंग्रेजों के आने के पहले इस देश के अंतर्गत था, उन चीजों को समाप्त कर दिया गया है जानबूझ करके। और स्टेट मेरा मानना है कि डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है समाज से, और आज के संदर्भ में तो जो समाज के जो भाई साहब ने उठाया था वो सही मुद्दा है, जो समाज का जो मुद्दा है, देखिए यूथ के एकमात्र मुद्दा है 99%, मैं प्रोफेसर हूं मैं जानता हूं, 99% यूथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसे और कुछ नहीं, सिर्फ नौकरी चाहिए, सिर्फ नौकरी के लिए, वो अच्छे आदमी बाद में बनेगा, उसको नौकरी चाहिए। क्या राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती है? राज्य जो है पीछे हट रहा है। आप पूरा बजट देख लिए, पिछले 1991 से आज तक का बजट देखिए बेलफेयर के ऊपर केंद्र सरकार का, लगातार कटौतरा होता चला जा रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा काम जो है प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर कोई फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए यह सब चीजें होनी थी। नेता अगर काम करेगा, हमारे एक लीडर हुआ करते थे बिहार में कर्पूरी ठाकुर, तो हमने स्टेटमेंट दिया था, उस समय मैं छात्र नेता था, मैंने कहा था जे कर्पूरी ठाकुर को चुनाव के दिन में, चुनाव के सीजन में अपने क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है अपना प्रचार करने के लिए। इंदिरा गांधी भी अगर जाएंगी उनके विरोध में तो हार जाएंगी, जो है कर्पूरी ठाकुर जीत जाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी थी, हर परिवार के दुख दर्द से उनका रिश्ता था। आज के नेताओं में इन चीजों की कमी हो गई है, इसलिए इसको मैं मानता हूं इसके लिए जनता जिम्मेदार है, ज्यादा नेता भी जिम्मेदार है, लेकिन जनता कम जिम्मेदार नहीं है। हम क्यों प्रश्रय देते हैं इन चीजों को? अगर जातिवाद हो रहा है, अगर हेर फेर हो रही है, हम उसके पार्ट एंड पार्सल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम व्यक्तिवादी हो गए हैं, समाज से ज्यादा हम अपने हित में मतलब विश्वास करते हैं। तो ये सारी चीजों को, यह चीज होनी ही होनी थी,
और ये लगातार आज गुजरात के अंतर्गत मान लिया चुनाव है, एक पॉइंट अभी हो सकता है कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पर कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं कहता हूं दूसरे राज्य में आ जाएगा, मैं कहता हूं तीसरे राज्य के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए निश्चित तौर पर आप लोगों का भी कहना है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके और राज्य के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, और राज्य के ऊपर तभी जवाब डालेगा जब जनता सशक्तिकृत होगी। नहीं तो कमजोर अगर जनता है, कम पढ़ी लिखी जनता है, गरीब जनता है, बेरोजगार जनता है, तो नेता उसके ऊपर हावी होंगे और जनता को लगेगा कि इनके जुड़ने से हमारा कल्याण होगा और जुड़ेंगे, और कुछ लोगों का होगा लेकिन ज्यादा लोगों का तो कल्याण हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही दिनेश निगम त्यागी, बहुत सबकी बातें सुनी आप। फिल्म के प्रतिबंध से ये शुरू करते हैं जी। प्रतिबंध, मूर्ति स्थापना, मूर्ति को हटा देना, हाथ काट लेना, नाक काट लेना, गर्दन काट लेना, ये क्या ये है क्या? यही लोकतंत्र है क्या? नहीं नहीं रिजवान भाई, यही राजनीति है, लोकतंत्र नहीं है, यही राजनीति है। जैसे आप पद्मावती जी से शुरू करिए, आपकी और चेतन जी की अभी थोड़ा डिस्कशन भी चल रहा था जी, कि जो टेलर सामने आया, जो झूमर नृत्य सामने आया, वो कैसे आया? भाई सेंट्रल में सरकार जिसकी है वो शुरू में ही देख सकती है कि क्या सामने जाना चाहिए, क्या सामने नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पिक्चर सामने आई नहीं, पिक्चर किसी ने देखी नहीं, पिक्चर का विरोध शुरू हो गया। भाई सेंसर बोर्ड में जाती है, कोई फिल्म बनती है, सेंसर बोर्ड अगर पास कर देता है तब वो चलती है, और अगर वो चलने लगती है उसमें कोई आपत्तिजनक है तब सड़क पर आओ, मारो, कूटो, उतरो, मतलब जो संघर्ष करना है करो, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। तो पहले चरण में तो वहीं रुक सकती थी वो कि भाई ये टेलर आपत्तिजनक है आपका, ये आप जो है महारानी या पद्मावती से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, हिस्ट्री से छेड़छाड़ कर रहे हो, ऐसी पिक्चर नहीं चलेगी। पहले स्टेज में इसको रोका जा सकता था, वो नहीं रोका गया, वो दिखा, उस पर आपत्ति आई। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने उसको लौटा दिया, सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया, फिल्म प्रदर्शित हुई नहीं। ये हर कोई कह रहा है कि भाई इसमें देखा किसने है कि इसमें आपत्ति किस बात की है। इसके बाद कुछ सांसदों को पिक्चर दिखा दी गई, पत्रकारों को, संपादकों को पिक्चर दिखा गई, जितने लोगों ने उस पिक्चर को देखा सबने कहा कि उसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं है। ये जो झूमर नृत्य वाली बात आई उसमें कहा गया कि सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम है, सिर्फ उनके हस्बैंड के अलावा उसमें और उस कार्यक्रम में कोई दूसरा मर्द नहीं था। एक चर्चा ये आई थी कि सपने में उसके खिलजी के सपने में जो है रानी पद्मावती को डांस करते दिखाया गया है, देखने वालों ने यह बताया कि उसमें वो भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है पिक्चर किसी ने देखी नहीं, और अगर कोई आपत्तिजनक है, कोई आपत्तिजनक ट्रेलर में दिखाया गया तो आप कह रहे हैं कौवा कान ले गया, पर बस वो ऐसा ही है कि जैसे हम बैठे हैं पीछे से कोई कह दे कि बिच्छू आ गया तो हम डंडा उठा लें उसको मारने के लिए। तो इसमें कहीं कुछ वैसा कुछ अभी सामने आया नहीं। जहां तक हिस्ट्री का सवाल है, चाहे फिल्म निर्माता हो, चाहे देश का कोई नागरिक हो, चाहे कोई दल हो, कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल जो तथ्य हैं उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। छेड़छाड़ करेगा तो अभी तो पिक्चर के प्रदर्शित हुए बिना इतना हंगामा हो गया, इतनी बातें हो गई, और अगर पिक्चर प्रदर्शित होती तो क्या होता? तो ये संभव नहीं है। देश का हर नागरिक इनसे जुड़ा हुआ है, जो देश की संस्कृति है, जो देश का इतिहास है, जो देश के महापुरुष हैं, उन सब के प्रति सब कोई प्रेम करता है। इसमें अकेले भाजपा, कांग्रेस या राजपूत या कोई एक समाज नहीं करता है। लेकिन बात का बतंगड़ बनने दिया गया, हमारा राजनीति इसलिए है कि बात का बतंगड़ बनने दिया गया। अब पहले तो ये फिल्म की लाइन चली, इसके बाद विरोध में बातें आने लगी कि भाई वो सूर्पणखा है उसकी नाक काट दो, वो भंसाली का जो है सर काट के लाओगे तो इतने करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बोलना चाहिए क्या? इस बोलने पे कोई प्रकरण दर्ज होता है तो सामने से फिर एक आवाज आती है कि भाई अगर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है तो भंसाली जी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। भंसाली ने ऐसा क्या कह दिया? भंसाली ने पिक्चर बनाई, गलत है, उसमें काट छाट होना चाहिए। लेकिन भंसाली ने यही कहा कि मेरी पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपत्तिजनक हो, किसी की भावना को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई बात उसने साफ साफ कही। जो आपकी जो पद्मावती बनी है हीरोइन आपकी, उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह कि अभी तक जितने उन्होंने भी पिक्चर देखी है और जिन्होंने पिक्चर बनाई है, किसी ने नहीं कहा है कि किसी के साथ कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचाई गई है। और ये जो धमकियां मल, ये सब काम सरकार का है, सरकार को देखना है कि लोकतंत्र में क्या सही है, क्या गलत है, कितनी सीमा तक स्वतंत्रता होना चाहिए, कितनी सीमा तक नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस मुद्दे को हवा दी गई, मुद्दा बनने दिया गया, फिर उसको रोक दिया गया। देखिए भंसाली जी अपने आप पीछे हट गए, पहले जो है स्मृति ईरानी आपकी, उनका भी आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि पिक्चर रिलीज होगी, पिक्चर नहीं रुकेगी। ये अपनी पद्मावती जो बनी, उन्होंने भी कहा था, भंसाली जी ने भी कहा था, फिर बैक हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पूरी राजनीति है, हर मुद्दा राजनीति से जुड़ गया है,
और राजनीतिक कारण से, बाकी पूरी दुनिया को समाज को कोई मतलब नहीं है, यहाँ गलत होता है पूरा देश खड़ा होता है साहब। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, रेप में रेप की घटनाएं हो, कोई वैसी घटनाएं हो, पूरा दिल्ली पूरा जाम हो जाता है सब। ऐसा कुछ नहीं है कुछ कि देश के लोग कोई नहीं करते। अभी चेतन जी कह रहे थे कि जब जो है हिंदुओं पे कोई या पद्मावती पे कोई बात होती है तभी सब लोग बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता है। भैया पूरा देश बोल रहा है, अगर आपकी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है तो वहां कांग्रेस की सरकार है उसने भी प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक वर्ग एक नजर से देखता है, सब सबकी नजर से देखता है। दूसरे मुद्दे पे आप आइए, गोडसे का मुद्दा आपने बताया, गोडसे की प्रतिमा लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी हिंदू महासभा ने, अनुमति नहीं मिली। इसके बाद बाकायदा मूर्ति बना के लाए, मूर्ति लग गई, मूर्ति लगने के बाद फिर प्रतिक्रियाएं ली गई मंत्रियों से नेताओं से। आपने भी देखी होंगी रुस्तम सिंह की प्रतिक्रिया देखी होगी, आपने लाल सिंह की प्रतिक्रिया देखी होगी, आपने उमा सिंह पवैया जी की प्रतिक्रिया देखी होगी, इनका सेंटेंस कितना रहता था, भाई ये सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, सब सब सबको जैसा अच्छा लगता है वैसा करता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये सेंटेंस एक सरकार के प्रतिनिधि को बोलना चाहिए क्या? और जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हो, मोदी जी जिसको जो है अमेरिका में खड़े होकर महात्मा गांधी का नाम लेते हैं कि महात्मा गांधी का पहला सपना था सफाई, और वहां से जो है ऐलान करते हैं, उनको आप लेके आगे बढ़ते हो और उनके हत्यारे की प्रतिमा स्थापित हो रही है और आप कह देते हो सबकी अपनी अपनी आजादी है, सबके अपना अपना मत है। तो मेरा कहने का मतलब है ये राजनीति है, और इसके बाद उस सरकार कभी ये नहीं कर सकती, मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान कभी गोडसे की मूर्ति का समर्थन नहीं कर सकते और न किया, लेकिन सबको यह बात सोचना चाहिए। अभी आपने एक बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जी का, नित्यानंद जी का स्टेटमेंट सुनाया, उन्होंने कहा कि मोदी जी के खिलाफ जो उंगली उठाएगा हम उसका हाथ काट देंगे। बताइए एक 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 एक, एक सत्तारूढ़ दल का जो है पार्टी का अध्यक्ष ऐसी बात कैसे कर सकता है? अभी चेतन जी ने कहा कि अभी हमारी सरकार है, हमारे लोग बोलते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, वैसे हमेशा ऐसा बोला जाता रहा है, कोई नहीं बोलता, यह भी बिल्कुल गलत है। जब कोई भी अनैतिक अवैध गलत आपराधिक टाइप की बात करेगा बोलेगा तो पूरा देश बोलता है। हो सकता है कुछ लोग ना बोलते हो, हो सकता है कुछ लोग उनका समर्थन करते हो जैसे आज करते हैं, लेकिन पूरा देश कभी नहीं करता। अभी 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 आपने मुलायम सिंह जी की बात की उत्तर प्रदेश की, कि उन्होंने जो है राम और कृष्ण को बांटने की कोशिश की, मैं इसको बांटने की कोशिश नहीं देखता, मैं फिर कहता हूँ ये भी राजनीति है भाई। किसी मुद्दे को लिए कोई पद्मावती जी को लिए है, कोई राम को लिए है, कोई कृष्ण को लिए है, कोई किस, सब लोग अपनी अपनी जो है राजनीति में है चुकी, तो उनको वोट चाहिए, समर्थन चाहिए, वो भी एक राजनीति का हिस्सा है। भट्टी धतकारी है और रोटी सेकने का। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे मामला पद्मावती का हो, चाहे मामला गोडसे जी का हो, चाहे रामकृष्ण का हो, चाहे वो नित्यानंद जी का हो, चाहे जितनी जो धमकियां दी गई उनका मतलब हो, इन सब के पीछे सिर्फ राजनीति है। जो देश के मेन मुद्दे हैं, जो मेन बातें हैं, उनसे डाइवर्ट हो जाए आदमी, वो एक तरफ हो जाए, ये क्या सब कहें, क्या कहें इसको, कुत्सित राजनीति, बस बस इन पे बहस चलती रहे और जो है रोटी कपड़ा मकान की चर्चा ना हो, इस तरफ देश ले जाए, सब राजनीति के कारण होता है। ठीक, यश, जैसे चर्चा चल रही है, चर्चा में ये भी नाम आ गया कि पद्मावती जी जो है वो राजमाता हो गई है, ये स्वयंभू राजमाता जी का एक शब्द नया आ गया है कि अब राजमाता जी की दर्जा देकर के उनका सम्मान किया जाए। आप किसी और को मनाएंगे राजमाता की? नहीं, देखिए जो इतिहास की अगर बात करें, कि ये लोग जो लोग बात कर रहे हैं इतिहास की, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ कि इतिहास में कहाँ उनको राजमाता का दर्जा दिया गया है जो हम उन्हें राजमाता मान लें, या कोई और दर्जा दिया गया है तो हम उनको मान लें। इतिहास की बात यही लोग करते हैं और इतिहास से छेड़छाड़ भी यही लोग करते हैं और फिर आरोप लगाते हैं दूसरे लोगों पर। मतलब हम छेड़छाड़ करें तो बहुत अच्छी है, दूसरा करेगा तो हम कबूल नहीं करेंगे। राजमाता कह दिया जाए तो उसमें आपत्ति क्या? नहीं, आपत्ति इसलिए है कि आप पूरे देश को ये स्वीकार करना चाहते हैं कि राजमाता राष्ट्रपिता एक हैं और राजमाता उनके उन्होंने अपने विचार रखे, उन्होंने अपने विचार का कोई अध्यादेश है क्या कि आप राष्ट्रमाता हम कह रहे हैं तो आप भी कहिए आदरणीय व्यक्ति की आजादी आपको मिलेगा। आदरणीय चेतन जी, जब आप बोल रहे थे पूरी बात सुनी, अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आप बराबर एक चीज कह रहे थे कि गोडसे जी की मूर्ति लगी तो हम 14 साल से आप हैं तो कहीं चूक हो गई, आपने बड़े आसानी से आईबी की चूक की बात करके पूरी बात छोड़ दी। और आप, अरे स्वीकार तो किया भाई, और आप यस, नहीं नहीं, और आप तो ये कह रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा होता गया है, मतलब यानी जब आपकी सरकार नहीं थी तब पूर्व में भी होता, अब आप विपक्ष में थे, एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका में थे, आपने क्या उसमें भूमिका निभाई मध्य प्रदेश के अंदर? अगर ऐसा होता रहा, क्या आपने कभी विधानसभा में आवाज उठाई या कभी आपने विरोध दर्ज कराया इस चीज का कि गोडसे जी का सम्मान इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो एक राष्ट्रपिता के हत्यारे हैं, एक निहत्ते बुजुर्ग के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनके? देखिए फिर आपका काम केवल ये है, आपका काम केवल ये है दूसरे की आवाज बंद कर देना, आपका काम केवल ये दूसरे की आवाज बंद कर देना। मैंने आपसे निवेदन किया था मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा, लेकिन आपकी आपकी पार्टी की और आप लोगों की लाइन यही है कि इतना व्यक्तिगत मत होइए। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं पार्टी लाइन की बात कर रहा हूँ। अब आप ये कह रहे हैं हमने क्या, तो आप अपनी बात ना मानते हो, हमेशा दूसरे को, जैसे ही अभी बात चली तो आप ओवेसी ब्रदर्स के पास चले गए,
अरे ओवैसी ब्रदर्स हैं तो आपके शासनकाल में बात हो रही है, आप सजा दिलवाइए, पूरा देश आपके साथ में है, कौन मना कर रहा है हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले का साथ दीजिए। आप एक तरफ ओवैसी ब्रदर्स का बुराई कर रहे हैं, दूसरा आप एक मौर्य जी जो है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे जब बहुजन समाज पार्टी में थे, आज आप उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए हुए उत्तर प्रदेश में, हटवाइए उनको अगर आप बात करते हैं। आप खुद उन लोगों को सत्ता में बैठाना चाहते हैं जो आपको सत्ता में काबिज कर सकते हैं, जो आपको सत्ता से दूर करेंगे आप उनसे दूर रहना चाहते हैं, आप मुद्दे उन्हीं को बनाना चाहते हैं जिसको जिससे आप सत्ता के करीब आए। आपको दिख रहा है इस समय गुजरात का 20% राजपूत ठाकुर समाज, इसीलिए आप इस बात को उठा रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पीके पिक्चर रिलीज हुई थी उसमें भी बहुत सारी बातें थी, सारे धर्म थे, सभी लोगों की बात थी, विरोध हुआ, वो पिक्चर रिलीज हुई, सबने उस पिक्चर को स्वीकार किया, उससे संदेश लिया। उस बात में जब एक बार इंटरव्यू लिया जा रहा था जावेद अख्तर जी से, जावेद अख्तर जी ने बहुत अच्छी बात कही, शोले एक पिक्चर थी जो बहुत पहले रिलीज हुई थी, उसमें मंदिर का एक चित्र सीन है जिसमें हेमा मालिनी जी आती हैं, वो भगवान शंकर जी से बात रखती है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रेम स्वीकार किया जाए, तो धर्मेंद्र जी पीछे से आवाज़ देते हैं कि तेरा प्रेम स्वीकार किया जाएगा, और उस तरीके का एक सीन है। अगर आज के वर्तमान स्थिति में अगर वो सीन हो जाएगा तो ये तो हो हल्ला मचा देंगे, लेकिन जनता ने स्वीकार किया, मूल भावना क्या है वो चीज़ देखनी चाहिए, पिक्चरें हमें क्या संदेश दे रही हैं, आपकी सरकार है आप सेंसर कीजिए उस चीज़ को, आपका दायित्व है, आपको इतना बड़ा बहुमत जो जनता ने दिया है वो सेंसर करने के लिए दिया है, आपको प्रोपोगंडा करने के लिए नहीं दिया कि आप 20% राजपूत समाज का गुजरात में वोट देखने के लिए आप पूरी भूमिका बनाएं। चलिए चेतन जी आप कुछ कहना चाहेंगे। रिजवान भाई जो एक प्रदेश में टिके थे वहां भी नहीं बचे, गुजरात तक पहुंच जाते हैं, बड़े हद से आप भी व्यक्तिगत होने लगे साहब। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, अरे जीत को अहंकार में मत लीजिए साहब। नहीं नहीं मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। जहां तक आप राजपूत समाज की बात कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पाति की न तो पार्टी है न उसकी राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और उसी एजेंडे पर चलती है। अगर राष्ट्रवाद में, भारत माँ के संविधान में, भारत माँ में अगर आपकी आस्था है तो आपका इस देश में उतना ही सम्मान है जितना मेरा और बाकी लोगों का है। हमारा विचारधारा से विरोध है, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। और जहां तक पद्मावती जी को अगर राष्ट्रमाता अगर हमने कहा है तो ये हमारा उनके प्रति आदर और सम्मान का एक भाव है, आप इसको हमसे जुदा नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। आज अगर आप ये कहो कि ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही, सारी बातें राजपूत समाज कर रहा है, तो ये आपका कहना गलत है। इस मध्य प्रदेश ही नहीं, इस हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों ने इस तरह के चित्रण का विरोध किया है। और जहां तक फिल्म का बात, अभी बात चेतन जी वहीं आके रुक जाती है कि आपने चित्रण जो देखा ही नहीं, विरोध किसका कर रहे हैं? चित्रण तो आ गया है भाई। कहां आया बता दीजिए, बताइए। मेरे मोबाइल में आप मेरे से ले लीजिएगा। क्या घूमर डांस जो आया है जी, मुझे आप बता दीजिए ऐसा कौन सा इतिहास है जिस घर के में रानियां इस तरह का डांस करती थी, इसके कौन से तथ्य उसके पास या आपके पास मौजूद है, आप मुझे बताइए ना, मैं भी आपसे देखना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको स्वीकार भी कर लूंगा। आपकी नृत्य तो पर आपत्ति है, पहनावे पर आपत्ति मेरे, है मेरे के स्थल पर आपत्ति है थोड़ा। नहीं 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 जी, आप अपनी जानकारी थोड़ा सा आप बढ़ाओ ना। नहीं मेरी जानकारी पर्याप्त है। नहीं नहीं उस मेरी जानकारी पर्याप्त है, सारी दे दूंगा। उस स्थान पर जहाँ पर इस नृत्य का चित्रण हो रहा था, वहाँ के लोगों ने संजय लीला भंसाली को हर तरह से समझाने का प्रयास किया था, और जब वो हर तरह से नहीं पिटाई की थी आपकी सरकार में राजस्थान। मेरी सरकार की बात क्यों कर रहे हैं, आपकी सरकार राजस्थान में। अरे भैया वहाँ अच्छा नहीं दे पाए, सुन लीजिए आप जी, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना यह संभव भी नहीं है। करणी सेना देना तो संभव था, करणी सेना ने, इतनी बड़ी करणी सेना के लोगों ने जी उनके साथ जो व्यवहार किया, मारपीट की थी, मारपीट पूरा सेट तोड़ दिया था। अरे भैया सेट तोड़ दिया, आप ऐसे काम क्यों करते हो जी, आप इस तरह का काम क्यों करते हो कि देश में किसी भी समाज में किसी भी वर्ग में उथल पुथल हो। मेरे दोस्त यश को बहुत चिंता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, हम तो यार उनको भी स्वीकार करने को तैयार है जिन लोगों ने किन्हीं दबावों में अपने धर्म का परिवर्तन किया है। अगर आज भी वो कहते हैं कि हिंदू हमारी जीवन जीने की उपासना का, अगर उसमें हमारी पूरी श्रद्धा अच्छा है, वो अगर वापस नहीं आएंगे, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो आप स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों नहीं रह रहे ना जी, क्यों नहीं रह रहे? हम उनको भी स्वीकार करते हैं, क्या मतलब आप तो सबको स्वीकार करते हैं, आप सबको कर रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं। ये हिंदुत्व का ही भाव है, ये यही एक ऐसा धर्म है जहाँ सबको सम्मान है, सबको स्थान है। इसका मायने बता दीजिए बस थोड़ा, जो अभी आपने पहले कहा हम उनको भी स्वीकार करते हैं, आप तो सबको स्वीकारते हैं, आप सत्ता पक्ष हैं।
अरे भैया तो स्वीकार करते हैं। मैं राजनीति की बात में नहीं, मैं धर्म की बात में कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुत्व धर्म। अरे भाई इतना इतना कंफ्यूज मत कीजिए, आप धर्म के प्रतिनिधि थोड़ी है साहब। मैं हिंदुत्व धर्म की बात कर रहा हूँ, हमने देखिए आप यहाँ राजनीति के प्रतिनिधि। नहीं नहीं साहब, एक सियासत दल के प्रतिनिधि। नहीं नहीं, मैं सियासत में जरूर हूँ, लेकिन सियासत से पहले मैं जिस धर्म और जिस संस्कृति से आया, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, सबसे पहले मैं उसी का आदमी। संविधान के प्रति कुछ आदर है? नहीं नहीं, संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन आप संविधान को मेरे धर्म से, मेरे जन्म स्थान से, मेरे रीति रिवाजों से अलग नहीं कर सकते आप। माफ करना आप जी, तो सबको जिस उपासना का उपासक हूँ, आपका धर्म क्या कहता है, आपका धर्म रीति रिवाज क्या कहता है, दूसरों को नहीं मानेंगे, मान्यता नहीं देंगे? क्यों नहीं मानते भैया जी, ये वही धरती है, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये वही धर्म है, ये वही एकाध मानववाद है, ये वही हिंदुत्व है, जहाँ सारे धर्म और संस्कृतियों को पनपने का समान अवसर मिला है। पीछे चले थोड़ा सा, और जहाँ तक हमारी सरकार है, हमारी जो सरकारें हैं, हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मेरे मित्र बहुत कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार में भेदभाव है, आप मुझे बता दीजिए, इस देश में जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हमने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का केवल नाम हमने एक तरह से इस देश की जनता में ला करके दिया था कि ये पीएम इन वेटिंग है, लोग क्या कहते थे, हिंदुस्तान में मारकाट मच जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, आगजनी हो जाएगी। आज कुछ नहीं होता सर, साहब कोई कह रहा है गर्दन काट लेंगे, कोई सड़क का इंसाफ करने लगता है, मॉब लिंचिंग हो रही, क्या क्या हो रहा है। ये वो देश है जिसको चाइना भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता, ये देश के लोकतंत्र की ताकत है, इस देश की सैन्य सीमाओं का, सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण अगर किसी ने किया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। थोड़ा सा मैं पूछ लूं कुछ आपसे, पूछ लीजिए आप। आप कह रहे थे राजस्थान में वो अपने ढंग से उनका विरोध हुआ था, मतलब मेरे हिसाब से तो पिटाई हुई थी, मैंने देखा था, वो पिटाई हुई थी उनकी, उस समय से अब तक आप इंतजार किस बात का कर रहे थे कि आपने सरकार होते कहीं हस्तक्षेप ही नहीं किया किसी तरह का, आपने कहीं उनको कोई समझाइश भी नहीं दी, क्या इंतजार क्या कर रहे थे कि गुजरात का चुनाव आएगा, फिर 1 दिसंबर को वो रिलीज करेंगे, तब हम लोग कुछ बोलेंगे? आप लोग बात कर लेते, वो रिलीज की डेट 4-6 महीने बात कर लेते। नहीं, हमारी बात नहीं, करने से जहाँ तक होता है, आप सरकार का मामला, मैं फिर वही कहूंगा कि जहाँ तक सरकार का मामला है, राजस्थान की मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी ने केंद्र सरकार को बहुत पहले चिट्ठी लिखी थी और अभी वर्तमान में उसका संज्ञान नहीं लिया आपने, फिर वो बहन ने तो लिख दी लेकिन भाइयों ने संज्ञान नहीं लिया। अगर हम संज्ञान ले लेते तो फिर आप कहते कि अभी फिल्म, अरे ले लेते हैं साहब, सरकार ने ले लेते, यहाँ तक नौबत तो नहीं आती, कोई गर्दन काट रहा, कोई मुंह काट रहा, कोई नाक काट रहा, हर कदम पर विरोध है जी, कितना विरोध करेंगे लोग, आखिर हमारा ही क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? अरे इंतजार क्यों कर रहे थे, ये मेरा सवाल है, सब लोगों का सवाल समझ में नहीं आया, मेरा अकेला सवाल नहीं है, सारे लोगों का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना विरोध करेंगे? फिर आप जनता का आशीर्वाद, फिर आप राजनीति में ले गए, देश की जनता का, वक्त पर आपने कुछ किया नहीं, आप फिर सियासत में ले गए। विरोध होता तो सरकार में होते क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, देश की जनता का समर्थन, देश की जनता का हमको आशीर्वाद है, आप क्यों कर रहे हो विरोध करते? मैं आपको चेतन जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, वक्त की कमी है। प्रोफेसर चौधरी साहब, इतिहास क्या उससे छेड़छाड़ की जा सकती है? इतिहास क्या सिर्फ मेरी दृष्टि से या आपकी दृष्टि से हो सकता है? इतिहास क्या इसी तरह से उसके साथ छेड़खानी की जानी चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल है। नहीं देखिए, इतिहास के साथ देखिए दो अप्रोच होते हैं, सब्जेक्टिव आइडियलिस्टिक अप्रोच और एक ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्टिक अप्रोच। तो अंग्रेजों ने भारत के बारे में जो वर्णन किया है, ब्रिटिश जो हिस्टोरियन हुआ करते थे, उसमें आप देख सकते हैं उनका एक उद्देश्य था, उद्देश्य यह था कि भारत को उपनिवेशिक देश लगातार बनाए हुए रखना, इनकी सभ्यता संस्कृति को डैमेज करना। अल्टीमेटली लेकिन क्या हुआ है, वे सारे हिस्टोरियन विश्व स्तर के हिस्टोरियन माने जाने लगे, हम उनको कोट करके अपने को गौरवान्वित महसूस किए जाने लगे। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि इतिहास किसी भी विश्व का, विश्व के किसी भी देश का पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। आप अगर हिस्टोरियन हैं तो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, अपना इंटरप्रिटेशन, डेटा सबके लिए एक समान भी है, तो आपका एनालिसिस करने का तरीका दूसरा हो सकता है। इसलिए इतिहास में पूरा छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना सैद्धांतिक स्तर पर बनी हुई रहती है, वो डिपेंड करता है कि इतिहास, जो इतिहासकार हैं उनकी पर्सनालिटी कितने उच्च स्तर की है और किस भावना से प्रेरित होकर के इतिहास पुस्तक की रचना कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एक किताब है, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा के हिस्टोरियन थे इस देश के सबसे बड़े, रामशरण शर्मा, उन्होंने सुदराज ऑफ एंशियंट इंडिया एक किताब लिखी है, ये विश्व स्तर पर प्रमाणिक किताब है। मैं आपको बताता हूं, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो,
इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने जनते कोशिश किया कि दूध का दूध और पानी का पानी, उनको ये नहीं देखना था कि मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। तो इसलिए छेड़छाड़ की सैद्धांतिक होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, आपकी जो सूझबूझ होगी, आपका जो मतलब इंटरप्रिटेशन का तरीका होगा, आप उसी ढंग से तो करेंगे। हो सकता है आपके नजर में ऑब्जेक्टिव हो, आज कमेंट करूं कुछ चीजें नजरिए का भी मसला है, कुछ चीजें नजरिए का मसला है, कुछ तथ्यों का मसला है, और इतिहास जो है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता, आप ऐसा कह रहे हैं बिल्कुल, और उसमें बहुत ढेर सारी गुंजाइश होती है। अशोक त्रिपाठी जी, जल्दी से कहिएगा, वक्त बहुत कम है। देखिए, ये जो प्रसंग जिस पर डिबेट हो रही है जी, मुझे तो लगता है कि सूतना कपास जुलाहों में लठम, बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ जी, हमने तो हमारे कार्यक्रम का नाम ही मकर जाल है। दूसरी चीज ये है जी कि दलीय राजनीतियों में जो दिखने में भी आ रहा है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि इसमें कौन उस राष्ट्रवाद के निकट है जी, लेकिन जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, सामंतवाद भी है, वंशवाद भी है, और उन सबकी संप्रदायवाद भी है, और संप्रदायवाद भी है, और बहुत सारे वाद है, सब कुछ हर दल में। उसके ऊपर जो मुखौटा चढ़ा रखा है, सबने राष्ट्रवाद का चढ़ा रखा है, और हर दल ये साबित करने में लगा, अर्थवाद से बड़ा वाद कोई है कुछ नहीं है। और वंशवाद बताइए, कौन वंशवाद में पीछे है जी, कौन क्षेत्रवाद में पीछे है, कौन व्यक्तिवाद में पीछे है। मूलतः तो यह है कि इस प्रकार के विषयों को सिर्फ इसलिए उठाए जाते हैं, बढ़ाए चढ़ाए बढ़ाए जाते हैं कि रोजी रोटी की मूल समस्या है। आप देखिए, इतने सारे विषय हैं जहां दलित शोषित पीड़ित समाज, मैं किसी एक उस पर नहीं कहूँगा, जो अन्य दलीय राजनीतियों से नेतृत्व करने वाले राज्य वहाँ भी आएगा, यानी दलित शोषित पीड़ित समाज के समग्र उत्थान के बगैर इस राष्ट्र को हम परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो मुद्दे और वो यानी विकास की अवधारणा, जैसे इन्होंने कहा कि मैं एक शब्द में भी आऊँगा, प्रोफेसर चौधरी जी ने कहा था कि जो विषय था विश्वेश्वरैया जी का, मैंने अध्ययन किया है, विश्वेश्वरैया जी का था कि इस देश को समग्र उत्थान की ओर यदि ले जाना है तो अधिकतम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन की ओर हम जाएं। वो उत्पादन यानी उसमें जहाँ तक किसान का भला होना था, बड़ी बड़ी सिंचाई या जल संसाधन की जो योजनाएं बनी, निश्चित रूप से उसी समय की थी भाखड़ा नांगल और तमाम योजनाएं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो दिशा गई, जो पश्चिमी औद्योगिकीकरण की पश्चिमी अवधारणा रही, उसने विकृति की ओर ले गए। शिक्षा पद्धति में जो भी आज मतलब देखिए, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के जो लोग आते थे वो गौरवान्वित महसूस करते थे, उनमें उनका सम्मान होता था। कुल मिलाकर कहाँ थी उस समय सामाजिक विषमता, कहाँ ये सारे विषय थे, सदा साथ साथ पढ़ते थे। अशोक जी, वक्त की कमी है, थोड़ा मैं रोकूंगा आप, बिल्कुल क्या कहेंगे दिनेश निगम, थैंक यू, अंतिम प्रतिक्रिया। कुछ नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि राजनीति है, और राजनीति को सबसे पहले जो इसके कर्णधार हैं, जो इसके मुखिया हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि देश को कहाँ ले जाना है, देश के लिए क्या ठीक है क्या गलत है, दल के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। ये सब चीजें पैदा की जाती हैं, जितने भी मुद्दे हैं ये सब राजनीतिक कृत्रिम मुद्दे हैं, इनको पैदा किया जाता है, हवा दी जाती है, फिर उन पर उनको दबा दिया जाता है, और ये जो है आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा से हो रहा है। जहां तक जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद इनका सवाल है, तो ये आज से नहीं चल रहे हैं, आजादी के समय से, आजादी के पहले से चल रहे हैं, आजादी के आंदोलन के समय भी इन चीजों से निपटने के लिए जो अपने महापुरुष थे, नेता थे, वो लोग प्रयास करते थे। तो ये आज का नहीं है, ये बीमारी पुरानी है, और अब जो है कुछ ज्यादा बढ़ रही है, अब ज्यादा जो स्वार्थ आ गया है राजनीति के अंदर, वोट बैंक की जो राजनीति है वो ज्यादा हो गई है। जैसे अभी चेतन भाई ने कहा कि जो कोई आ जाए सब ठीक है, मतलब गंगोत्री हो गया है। सुखराम अगर कांग्रेस के साथ है तो संसद नहीं चलने देंगे, भाजपा के साथ आ जाएगा तो पवित्र हो जाएगा। जो मौर्य की बात हो रही है, वो देवी देवताओं को गाली देता था, भाजपा के साथ आ गया तो पवित्र हो गया। ऐसे कांग्रेस को जो गालियां देते हैं भाजपा वाले, वो कांग्रेस में आगे आगे सो टिकट मिल गया, वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। तो हर दल की राजनीति ऐसी है कि वो राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, देश से समाज से जीत सर्वोपरि है, कहते भी हैं। यहाँ जो है कोई भी नेता कहता है हमारे लिए तो जीत महत्वपूर्ण है, विचारधारा सिद्धांत एक तरफ है, हमें तो किसी भी हालत में जीतना है, हम तो सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लक्ष्य पहले जो राजनीतिक दल बने थे आइडियोलॉजी के कारण सिद्धांतों के लिए बने थे, सत्ता आए चाहे ना आए, जीते चाहे हारे, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी लिए चुनाव लड़ते थे, उसका प्रचार करते थे। आज वो मुद्दा नहीं है, आज ये है कि हमें तो किसी भी हालत में जीतना है, सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे धर्म बांटना पड़े, चाहे शराब बांटना पड़े, चाहे लोगों को मिलाना पड़े, चाहे विचारधारा से मेल खाता हो चाहे ना खाता हो, इन सब चीजों पर सुधार खुद राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। और जनता ये देखती है, जो ऐसा नहीं करता उसको उतार देती है, जो दूसरा आता है वो भी नहीं करेगा तो उसको भी उतार देगी, ये सब चलता रहेगा सिलसिला, ये राजनीति है। यश यादव हमारे साथ जुड़े, अशोक त्रिपाठी आप हमारे साथ जुड़े, दिनेश निगम त्यागी आप हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर एस एन चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े, और चेतन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है
कि ये कैसा मकड़जाल है और वो भी सियासत बुनती है इसे और असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं। पिछले कई दिनों से हम भी इसी पे चर्चा कर रहे हैं, कभी चर्चा करते हैं पद्मिनी पर, कभी चर्चा करते हैं गोडसे पर, और हर रोज़ जो असली मुद्दे हैं, जो ज़रूरत के मुद्दे हैं, जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं, वो पिछड़ती चली जा रही हैं। और देखते हैं कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर सियासी दल ईमानदारी से अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लगे तो शायद इस तरह के मुद्दे उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सबको मौका मिलेगा, बेहतर मौका मिलेगा, इसलिए कि ये देश सबका है और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खासियत भी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।